नमस्कार। दास्तां कल आज और कल में आपका स्वागत है। मैं निरंजना चौरसिया भोपाल जिला न्यायालय में विगत कई वर्षों से अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रही हूँ। मेरा जो विधि व्यवसाय है उसमें मुझे अपने क्लाइंट्स और जुडिशरी से जुड़े हुए हर व्यक्ति के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना होता है, क्योंकि वो हमारा जो विधि व्यवसाय है वो किसी व्यक्ति का या व्यक्तियों का समागम ना होकर किसी भी तरह से एक सामाजिक समागम, भावनाओं का समागम, अधिकारों का समागम और संवेदनाओं का समागम होता है। एक विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करना, जहां एक प्रकार से अपने क्लाइंट्स के हितों के प्रति उन्हें जागरूक करना, उनके हित और उनके अधिकारों के लिए खुद अपने जितना भी ज्ञान और जितना भी क्षमता होती है उसके साथ उसके अधिकारों के लिए उसके अधिकार प्राप्त करवाने में उसकी मदद करना एक विधि व्यवसायी का कार्य होता है। इसी प्रकार के कार्य करते हुए मैं अपने अधिवक्ता के रूप में कार्य का जो पूर्व का आकलन करती हूँ तो मैं पाती हूँ कि मैं अपने इस क्षेत्र में जो मैं अब एक विधि व्यवसायी के रूप में कार्य करती हूँ उसमें मैंने बहुत अच्छा अनुभव रहा है, क्योंकि मैं एक विधि व्यवसायी के रूप में अपने क्लाइंट्स और उनके अधिकारों के प्रति उनकी आवश्यकताओं के लिए उनका हक के लिए उनका साथ देने के साथ साथ हमारे विधि व्यवसाय से जुड़े हुए जितने भी सामाजिक सरोकार से लगे हुए संतिप्त कार्य होते हैं, जागरूकता के संबंधित कार्य होते हैं, उनका हिस्सा बनती रही हूँ। दूरदर्शन के भी प्रोग्राम्स में मैं इस तरह के प्रोग्राम्स में हिस्सा लेती रही हूँ। इस तरह से मेरा अनुभव विधिक क्षेत्र में काफ़ी अच्छा रहा है। ये COVID-19 महामारी के पूर्व एक विधि व्यवसायी के रूप में जो हमारा कार्य होता था वो एक तरीके से स्वतंत्र वातावरण से प्रपूरित होता था। हमें किसी भी प्रकार की सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाने नहीं होते थे। हम अपने क्लाइंट्स के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित होते थे और हम उससे पूर्व हमारा जो कार्य व्यवहार होता था वो एकदम अलग प्रकृति का कार्य होता था। ये महामारी का जो दुष्प्रभाव हमारे सब तरह से जुड़े हुए आम जनजीवन पर पड़ा है, उसी तरह से एक विधि व्यवसायी के जीवन में भी इस महामारी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। हमारा कार्य जो होता था उस कार्य में हम किसी भी व्यक्ति से प्रत्यक्ष संबंध के बिना उसकी भावनाओं को, उसके अधिकारों को, उसकी पीड़ा को समझने में असमर्थ रहते थे। और अब ये जो महामारी का स्वरूप है उसमें किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत संपर्क में अगर हम आते हैं तो वो उस व्यक्ति के लिए भी और हम सभी के लिए थोड़ा सा खतरनाक साबित हो रहा है। इसी वजह से हमारा विधि व्यवसाय इस महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लेकिन सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश जो हम सभी के लिए जारी किए गए हैं उन सब का जो हमें आम व्यवसायी को पालन करना है, उसी तरह से एक विधि व्यवसायी को भी अपने कार्य के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए उन सभी सुरक्षात्मक दिशा निर्देशों को पालन करना है। क्योंकि अब जो हमारा विधि का व्यवसाय होगा, जो हमारी कार्य प्रणाली होगी, जो न्यायिक कार्य का संपादन होगा वो एक अलग तरह के स्वरूप में होगा, जिसमें हमें अपने क्लाइंट्स के अधिकारों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए न्यायालय तक पहुंचाना होगा और हमें अपने क्लाइंट्स जो हम पर पूरी तरह से आश्रित हैं उनको उनके हक दिलाने में उनको सक्षम करना होगा। और इन सारी प्रक्रियाओं में हमें उन सभी दिशा निर्देशों का भी पालन करना होगा और ज़्यादातर फोकस अब न्यायालयीन प्रक्रिया में जो इंटरनेट का या जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम्स हैं उनका उपयोग किया जाना जरूरी है, जिससे कि व्यक्तिगत संपर्क कम से कम हो और जो न्याय की मंशा है वो पूरी हो सके। इस तरह का परिदृश्य है अब हमारे जो न्यायालयीन कार्य होंगे उसके लिए हम विधि व्यवसायियों को पूर्ण रूप से तैयार रहना होगा और उन्हीं के अनुरूप हमें अपने आप को ढालकर अपने क्लाइंटों का और अपना स्वयं के व्यवसाय के प्रति निष्ठा और अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा।
मैं आप सभी से अनुग्रह करती हूँ, आशा करती हूँ और विश्वास रखती हूँ कि आप अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का ध्यान रखेंगे और अपना ध्यान रखते हुए अपने पक्षकारों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद।